मेट्रो दिल्ली की जनता का एक महत्वपूर्ण यातायात साधन जो हर बुजुर्ग युवा और नौजवानों के लिए किसी लाभ से कम नहीं। कम समय में लंबी दूरी तय करती मेट्रो आज हर किसी के लिए एक आसान जरूरत बन चुका है। लेकिन अगर चालक रहित मेट्रो हो और ट्रायल के दौरान हादसा हो जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे डर जरूर लगेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ मंगलवार को, जिसने मेट्रो ट्रेन की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। वो भी उस लाइन की मेट्रो जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को करने वाले हैं। गनीमत तो ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दरअसल मंगलवार को कालंदी कुछ मेट्रो डिपो में ट्रेन बैक करने के दौरान सेफ्टी वॉल से टकरा गई और दीवार तोड़कर बाहर की ओर लटक गई। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि जब मेट्रो को रोका जा रहा था तब ऑटोमेटिक ब्रेक ठीक से नहीं लग पाए, जिससे यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि ड्राइवर लेस ट्रेन होने की वजह से उसमें कोई भी नहीं था, जिससे जान माल की कोई हानि नहीं हुई। बता दें कि बॉटनिकल गार्डन नोएडा का पहला इंटरचेंज स्टेशन होगा और इस मेट्रो लाइन का यह पहली ऐसी मेट्रो लाइन होगी जिस पर चालक रहित मेट्रो दौड़ेगी। शुरुआत में मेट्रो ट्रेन को चालक ही चलाएंगे, लेकिन बाद में यह ऑटोमेटिक मोड पर चलेगी। इससे शहरी वासियों के लिए दक्षिण दिल्ली पहुंचना आसान हो जाएगा। यहां से चलने वाली मेट्रो ट्रेन सिग्नलिंग सिस्टम पर आधारित होगी, जिसे तकनीकी भाषा में CBTC कहा जाता है। हालांकि इससे इस लाइन के उद्घाटन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वह तय समय पर ही होगा। बताया जा रहा है कि मेट्रो के ड्राइवर वाले कोच को नुकसान पहुंचा है। मेट्रो की पूरी टीम मामले की जांच कर रही है। मेट्रो ट्रायल हादसे कई सवाल खड़े करते हैं। आखिर क्या यह रूट और चालक रहित मेट्रो सुरक्षित है? क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी? बहरहाल यह तो भविष्य में ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम्स।